आप कैच न्यूज बनेगा आपकी आवाज पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी को भी अत्याचार। हम है आपके साथ और देखते रहिए। शिक्षक जहां हमें पढ़ा लिखा कर उस लायक बनाता है कि हम अपने बेहतर भविष्य को बना सके। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं व बधाई हंगामा टाइम्स न्यूज की तरफ से। आज राजधानी के विद्यालयों में कुछ विशेष हुआ शिक्षकों के लिए, जहाँ छात्रों ने शिक्षकों के लिए कई प्रस्तुति दी और बताया कि शिक्षकों की जो भूमिका है उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता लाए हैं कि किस तरह से छात्रों ने शिक्षकों को बताया और सम्मान दिया शिक्षकों को, और बताया कि शिक्षक हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं और शिक्षा देने के अलावा वो किस किस तरह ज्ञान हमें देते हैं। देखिए एक विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। आज शिक्षक दिवस है। आज राधा डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी का जन्मदिन है, जिनके जन्मदिन पर जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत देश में। आपको ये भी बता दें कि 217 देशों में से 100 देशों में अलग अलग दिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ हंगामा टाइम्स में। आज राजधानी के टीडी गर्ल्स में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे किस प्रकार से जो शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि और अन्य लोग भी आए हुए हैं, इसके अंदर शिरकत करेंगे टीडी गर्ल्स में और शिक्षक दिवस पर अपने विचारों से बच्चों को सराबोर करेंगे। और यहाँ पे जो आप रोड देख रहे हैं कि किस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, हम आगे भी बात करेंगे और जानेंगे शिक्षक और बच्चों से कि किस प्रकार से उनका शिक्षक दिवस यहाँ पर रहा। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं प्रधानाचार्य लक्ष्मी सिंह जी से और मुख्य अतिथि के जो विचार है उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चे सराबोर हुए और प्रबंधक महादेव यादव जी के भी विचार जानते हैं शिक्षक दिवस पर क्या है। महोदय, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य जी, शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, आज जिनका जन्मदिन है मना रहे हैं, जो शिक्षक शब्द है मुझे लगता है इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। अगर खाली इसके अर्थ को समझ लें तो सी का मतलब है शिखा की तरह जलने वाला, जो हमेशा ज्ञान के प्रकाश को फैलाता है। छा से मतलब है छम में हो उसका जीवन, सब कुछ क्षमा कर दे। और का से मतलब है उसके पास जो संपदा बचे खाली कफन के लिए बचे। शिक्षक वही है वास्तव में, बाकी जो समय है समय बदलेगा, आएगा जाएगा। और दो लाइनें मैडम कही हैं, एक गीत की सुनाते हैं, सबको समाहित कर लेते हैं एक साथ में। आप सबका हमें साथ चाहिए, हम आप सबके साथ हों, यही हम सबका साथ रहेगा। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, तो कोई गम नहीं है, हर एक पेप्सी बन गई चांदनी है। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है। साथियों, आपको एक चीज आज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है और आपको अपनी सफलता को प्राप्त करना है तो हमारी ये कुछ लाइनें आप हमेशा अपनी जेब में रखिएगा। आपकी जो स्टूडेंट लाइन में जो ड्यूटी है, इफ यू सैल्यूट, सलाम करोगे तो आपको किसी व्यक्ति के सलाम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी ड्यूटी को प्रदर्शित करोगे तो आपको इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को सलाम करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज,
नहीं बदल सकते हो, लेकिन आपके अंदर कुछ अगर बैड हैबिट्स है, गलत आदतें हैं, तो उनको चेंज करो। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। सोली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर, आपके भविष्य को बना देगा आपकी आदत, अगर आपके अच्छे विचार होंगे। इसलिए मैं आपको ये भी बताना, एक सेंटेंस में और आपको एक देना चाहता हूँ कि आप हमेशा ईमानदारी से पढ़िए। पंचे मेरा यही है, शिक्षक दिवस के अवसर पर इस विद्यालय के जो प्रबंधक साहब हैं, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ और शिक्षक दिवस पर उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे याद किया और मैं यहाँ आपके बीच में उपस्थित हूँ। इसके साथ ही शिक्षक दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर इस विद्यालय की जो हमारी प्रिंसिपल मैम हैं, उनका भी मैं बहुत ही हृदय से जो है शुभकामनाएँ और हमारे मन में जो उनके लिए क्या कहते हैं उसको, जो प्रेम है वो उन्होंने खींच लाया मुझे आज, क्योंकि मैं 5 जून को ये कार्यक्रम कराया था यहाँ पर, तो उनको भी मैं इस शिक्षक दिवस पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। साथ में इस विद्यालय के जितने भी हमारे शिक्षक, पुरुष शिक्षक, महिला शिक्षक, सभी को इस शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग ये कार्यक्रम काफ़ी देर से कर रहे हैं। साथ में हमारे और भी जो मंच पर उपस्थित सभी जो हमारे महानुभाव हैं, जो अतिथि हैं, उन सबका यहां पर इस प्रांगण में हार्दिक जो है शुभकामनाएं। क्योंकि जब कोई बड़ी हस्ती अपने कर कमलों से अध्यापिकाओं को, हमारे भाई साहब सर थोड़ा सा 5-10 मिनट और है, आप दे दें सर, धन्यवाद। जोरदार प्रबंधक महोदय को ही गिफ्ट देना है सबको, और मैडम का कोई गिफ्ट हो तो मैडम को दिला दें। होती रहे साथ में, और लेडीज सिंगर्स आ जाएंगे, उसके बाद जेंट्स आ जाएंगे, देना है वाला सामने ले लें, फोटो ले लें, और टीचर्स इधर लेके लाइन में ही रहेंगे। मैडम आप लोग लाइन से थोड़ा इधर आ जाएंगे, इसे रोल उसमें आ जाए जी जी, क्लैपिंग हो जाए, तालियां बिल्कुल बंद हो गई, उपहार दिया जा रहा है टीचर्स को। और एक हमारे यहाँ शर्मा जी हैं हिंदी भाषा प्रतिष्ठान से, तो आप भी, आपको भी गिफ्ट मिल जाए, बट ये यहाँ का चिन्ह है, निशान है सर। जोड़ा तालियां, जरा स्टाफ क्लैपिंग करें कसके। इस समय हमारे साथ में हैं टीडी गर्ल्स के प्रधानाचार्य, उनसे आइए पूछते हैं कि शिक्षक दिवस पे क्या विशेष रहा उनके स्कूल में, बताइए।
शिक्षक दिवस पे वैसे तो आज का दिन ही विशेष है, उसमें विशेष ये रहा कि हमने अध्यापकों को ये एक प्रेरणा दी है कि शिक्षक का मतलब क्या होता है, शिक्षक किसे कहते हैं। जैसे यहाँ समझाया गया, बहुत सारे अध्यापकों ने बताया, गुरु गुरु ये नहीं है जो हमें पढ़ाता है, गुरु वो भी है जो घर पे माता है पिता है, जिस जिसने हमको सिखाया वो सब गुरु है, शिक्षक के अलावा माता पिता गुरु सारे लोग गुरु हैं। तो गुरु का जो दायित्व होता है कि बच्चों को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाना। खैर शिक्षा की भूमिका बहुत कठिन है, और कहा जाए तो एक माता होती है अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, केवल काम उसका इतना होता है। टीचर होता है वो जो होता है अपने घर में अपने बच्चों को भी देखता है, स्कूल में भी देखता है, यानी एक अगर शिक्षिका है तो पत्नी भी है, बहू भी है और बेटी भी है, उसको घर का काम। एक आम औरत की दिनचर्या सुबह 6 बजे शुरू होती है, पर शिक्षिका की दिनचर्या सुबह 4 बजे शुरू होती है। घर का सारा कार्य करने के बाद विद्यालय आना, विद्यालय के विषय में सोचना, बच्चों के विषय में सोचना, उसकी मतलब लाइफ ही कहा जाए बहुत कठिन है। पर ये कठिन लाइफ ही एक शिक्षक जो है कई डॉक्टर कई इंजीनियर कई साइंटिस्ट बना सकता है, ये गुण केवल एक शिक्षक में ही हो सकता है। तो शिक्षक की हम कहें कि उसका एक्सप्लेनेशन हम सही माने पूरा नहीं कर पाएंगे। इस समय हमारे साथ में है टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक महादेव यादव जी, जल्दी उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने शिक्षक दिवस मनाया, क्या रहा सर शिक्षक दिवस पर विशेष? शिक्षक दिवस बहुत बड़ा दिवस है, शिक्षा ही सारे विकास की जननी है, और शिक्षा शिक्षक देते हैं, तो शिक्षक दिवस पर मैं अपने शिक्षकों का सम्मान करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डायरेक्टर महोदय को बुलाया था, उन्होंने आकर हमारे शिक्षकों को सम्मानित किया है। और शिक्षकों का सम्मान कितना भी किया जाए वो कम है। मेरे विद्यालय में जो प्रदेश में देश में उन्नति पाई है वो इन्हीं शिक्षकों के माध्यम से पाई है। अभी देश का प्रतिष्ठित विद्यालयों में इस विद्यालय का नाम आया है, जो सूची मैंने अभी उनको सौंपी है, इसलिए देश के प्रतिष्ठित विद्यालय में मेरे विद्यालय का नाम जहाँ CMS का है वहाँ टीडी गर्ल्स कॉलेज का भी है। तो इसलिए मैं शिक्षकों का सम्मान शिक्षक दिवस के अवसर पर बड़ी धूमधाम से प्रत्येक वर्ष मनाता हूँ, और इस वर्ष भी मैंने मनाने का अपना पूरा प्रयास। तो आप देख रहे होंगे धूम के पीछे किस प्रकार से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, साड़ी पहनो कॉम्पिटिशन चल रहा है, कौन जल्दी साड़ी पहनेगा। आप स्क्रीन पर साफ देख रहे होंगे बच्चों में साफ उत्साह नजर आ रहा है, किस प्रकार से साड़ी पहनो जो कॉम्पिटिशन चल रहा है साफ साफ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। शिक्षिकाओं से पूछेंगे कि किस प्रकार से शिक्षक दिवस पे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैम बताइए बच्चों के लिए आप शिक्षक दिवस पे क्या संदेश देंगी बच्चों को? बच्चों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षक को गुरु कहा जाता है, गुरु का वास्तविक अर्थ होता है बड़ा, यानी शिक्षक खुद एक महान व्यक्ति होता है, अपने शिष्य को अपने से भी बड़ा बनाना चाहता है, क्योंकि उसके नाम के आगे उसको कहा ही जाता है गुरु। दूसरी चीज शिक्षक यानी गुरु, गुरु एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी महान विभूति होती है जो कि हमेशा अपने शिष्य को ऊंचाइयों पर उठते हुए देखती तब उसको खुशी होती है, क्योंकि हर व्यवसाय ऐसा होता है कि इंसान ये सोचता है कि ये चीज गड़बड़ हो तो मेरे पास आए। एक व्यक्ति है अगर डॉक्टर सोचता है जब मरीज बीमार होगा तो मेरे पास आएगा, लेकिन शिक्षक ये सोचता है कि मेरा गुरु मेरा बच्चा इतना ऊंचाई पर पहुंच जाए कि उसे दोबारा मेरी आवश्यकता ना पड़े, वो ऊंचाइयों को छुए और मेरा नाम रोशन करे, हम वो संदेश देना चाहते हैं। तो मैम आप क्या संदेश देंगी बच्चों को शिक्षा? देखिए इस अवसर पे मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जिस तन्मयता के साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षक दिवस पे अपने जन्मदिन पे शिक्षक दिवस मना करके शिक्षकों को सम्मान दिया है, उसी तरह से हमारे पढ़ाए हुए बच्चे भी ऐसी विभूति बनकर निकले ताकि हमारा नाम भी रोशन हो। और जिस तरह से दो चीज़ आदमी जिंदगी में नहीं भूलता है, एक साइकिल चलाना और एक तैरना, उसी तन्मयता उसका कारण है कि वो इतनी तन्मयता के साथ सीखता है। अगर ये बच्चे उस तन्मयता के साथ जो मन करे जो अपने कार्यों में दक्षता दिखाएं अगर वही तन्मयता रहे तो निश्चित रूप से वो बहुत ही ऊंचाई को छुएंगे और एक बुद्ध बन करके अपना इतिहास रचेंगे। और इन्हें यही हम सीख देंगे कि लगन उत्साह के साथ अपने कार्य में निरंतर लगे रहना ये सफलता का मूल मंत्र है।
शिक्षक दिवस पर बच्चों को किसी भी देश की उन्नति जो है वो योग्य नागरिक पर ही निर्भर करती है। अगर बच्चों का भविष्य बनाना है तो वो शिक्षक पर ही निर्भर करता है। तो शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे। और ये संदेश मेरा ये है कि जैसे उन्होंने अपनी शिक्षक से जो कुछ ग्रहण किया है उसको आगे पहुँचाएं और देश के निर्माण में अपना सहयोग लगाएंगे। मैम जी, गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो सदियों पुरानी चली आ रही है जो कि थोड़ी बहुत धूमिल हो गई है। तो मैं यही चाहूंगी कि गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो मतलब दिल से किया जाए, केवल दिखावे के लिए प्रपस्त ना किया जाए बल्कि दिल से रिस्पेक्ट की जाए टीचर की। और टीचर का भी कर्तव्य बनता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और सुयोग्य नागरिक बनाए जो कि हम अपने देश का नाम रोशन कर सके। क्या संदेश देंगी मैम आप? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक सड़क है वो अपने यात्रियों को, लोगों खुद तो वहीं रह जाती है लेकिन अपने यात्रियों को, अपने ऊपर चलने वाले लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचा देती है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी खुद तो वहीं रह जाता है लेकिन अपने शिक्षकों को, अपने शिष्यों को बड़ी बड़ी मंजिल तक पहुँचा देता है। ये भी हमारे साथ में टीडी गर्ल्स की शिक्षिकाएं जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से वह बच्चों को ये संदेश दे रही हैं कि अच्छी प्रकार से अपनी बुलंदियों को छुएं। तो इस समय हमारे साथ में है टीडी गर्ल्स के शिक्षक, उनसे जानेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे सर इस शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस पर हमें संदेश देना चाहेंगे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली पहले की शिक्षा प्रणाली से काफी परिवर्तित है और वर्तमान में शिक्षकों को भी उस स्तर से अपने आप को ढालना होगा, क्योंकि आज की जो टेक्निकल शिक्षा आ गई है वो हम गुरुकुल की शिक्षा के पद्धति पे अगर रहे तो शायद ना उतने विकसित हो सकते हैं ना विकासशील हो सकते हैं। इसलिए हमको बदलना होगा अपने दिमाग को और अपनी सोच को, साथ में बच्चों को भी बदलना होगा। लेकिन इसके साथ साथ इतना जरूर करना होगा कि हमारे देश के जो नैतिक मूल्य हैं, जो संस्कार हैं, वो अवश्य बने रहे, उनकी छीड़ता हो। यदि वो छीड़ हो गए तो वर्तमान शिक्षा हम चाहे इतना बढ़ा लें वो हमारे लिए नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम अपनी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है और नई शिक्षा प्रणाली दोनों को स्तर बना करके एक ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करें कि हमारे बच्चे हमारी बात को भी माने और शिक्षा ग्रहण भी कर सके, हम भी उनका उत्तरोत्तर विकास कर सके, उनका ज्ञान संस्कार उनमें हमेशा समाहित रहे ताकि हमारा जो भारत देश कभी गुरु था, गुरु होने की स्थिति में आगे गुरु बना रहे। तो सर आप क्या कहेंगे शिक्षक दिवस पे, क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? भैया, शिक्षक एक ऐसा है कि बच्चों के प्रति ऐसा गुण भरता है कि वो जीवन में कहीं भी रहे तो अपनी ऊंचाइयों को छुए। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि उनके शालीनता, स्वभाव, संस्कार, गुरुजी जो है बच्चों को हमेशा शिक्षा के माध्यम से संस्कार स्वभाव की बात करते हैं। तो सर आप क्या देंगे संदेश बच्चों को अपने स्कूल के? टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। बेटर टीचर मेक्स बेटर स्टूडेंट, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड बेटर नॉलेज। बच्चों को शिक्षा के लिए अगर आगे बढ़ना है तो उनको हमेशा गुरु की ज़रूरत है। जिस तरह से हिंदी में कहा गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताया, ये बात सत्य है क्योंकि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग गुरु ने ही बताया है। तो गुरु सर्वोपरि है, गुरु की पूजा हमेशा होती है, गुरु हर जगह व्याप्त है। विद्यार्थी गुरु के अगर प्रेरणा करेंगे, गुरु के बताए हुए मार्ग रास्ते पे चलेंगे तो एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो क्या देंगे आप संदेश शिक्षा दिवस पर बच्चों को? बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि बच्चे जो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं उनको गुरु उस ढांचे में ढालता है कि वो विश्व के उत्तम स्तर तक पहुँच सकते हैं। और वो जैसा जैसा टीचर्स उनको संदेश देते हैं उसका अगर उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो दुनिया के शीर्ष पर पहुँचाए जा सकते हैं। जो बहुत उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो टीडी गर्ल्स कॉलेज में आके पढ़ रहे हैं जहाँ की पूरे लखनऊ में बेस्ट संस्कार के नाम से टीडी गर्ल्स कॉलेज जाना जाता है। और ये यहाँ पे ही नहीं, ये आज उत्तर प्रदेश और पूरे भारत, पूरे एशिया में इसका नाम हुआ है। प्रदूषण में जितना भी इसका मतलब योगदान रहा है वो कंट्रोल करने में, उसमें बच्ची एशिया के कई देशों में पहला स्थान लेके आई है टीडी गर्ल्स कॉलेज। और वही नहीं, ये इसका जो संस्कार है वो आज इंडिया के बाहर तक पहुंच रहा है टीडी गर्ल्स कॉलेज का। तो आप क्या कहेंगे सर इस शिक्षक दिवस पे, किस प्रकार से संदेश देंगे बच्चों को? सबसे पहले इस शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी को, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि कोई बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बड़े लोग हो चाहे बुजुर्ग लोग हो, सभी लोग कहीं न कहीं किसी न किसी को कुछ न कुछ शिक्षा देते रहते हैं। हम लोग हमेशा किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो हम अपने बच्चों को बस यही एक संदेश देंगे कि वो हमेशा
चाहे जो कोई हो उससे कुछ न कुछ सीखने का पूरा पूरा प्रयास करें और हमेशा अच्छे से अच्छे ऊंचाइयों पर जाएं, जिससे उनका ऊपर गर्व महसूस कर सके और लोगों कर सके। और गुरु की महिमा बहुत ही अपने आप में बहुत ही महान होता है, ये अपने अंदर रखते हैं। और गुरु को दक्षिणा के रूप में जो कहा गया वो तो कभी कोई पूरा कर ही नहीं सकता, अपने जिंदगी में कभी भी कुछ भी दे दे लेकिन गुरु की महिमा नहीं हो सकती। ये हमारे कॉलेज के द्वारा दिया गया है, हमारे कॉलेज में जो भी शिक्षाएं दी जाती हैं ये इस समय इसी लेवल पर है। आपने देखा होगा यूपी लेवल पे केवल दो स्कूल सीमस और टीडी गर्ल्स हमारा गया है, जिसमें कि इन दोनों का नाम यूपी के एशिया लेवल पर गया है। तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो खास है, इसलिए बच्चों को पूरे मन के साथ पूरे विश्वास के साथ इसमें लगे रहना चाहिए और पूरे सम्मान के साथ जो भी गुरु कहे सब कुछ समर्पण करके उस पर अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो आइए टीडी गर्ल्स के बच्चों से जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इस शिक्षक दिवस को मनाया। क्या नाम है आपका? गौरी प्रियापति। किस प्रकार से शिक्षक दिवस मनाया आप लोग? आज हमारे आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में हमारे भारत वर्ष में टीचर्स डे मनाया जाता है। आज हमारे स्कूल के बच्चों ने आज हमारे टीचर्स डे के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज हमारे स्कूल में पहले टीकाकरण हुआ, सरस्वती जी का पूजन हुआ। वैसे तो आज गणेश चतुर्थी तो चली रही है, तो आज हमारे स्कूल में गणेश चतुर्थी भी मनाई गई। तो क्या रहा बच्चों से, टीचर से क्या कराया आप लोग? हम लोग जब टीचर पहले मैंने प्रोग्राम कराया, फिर जब टीचर लोग बोर हो रहे थे फिर मैंने ऐसे गेम रखे कि टीचर लोग मतलब बोरिंग ना हो, इसलिए टीचर लोगों को मैंने अच्छा गेम भी कराया, डांस कराया, फिर गाने भी कराए, ऐसे गेम कराए कि टीचर बोरिंग ना, बीच बीच में गेम भी कराता रहा, डांस भी कराता रहा, इस बीच भी सब होता था इसलिए। क्या नाम है आपका? प्रिया पांडे। तो टीचर्स को गिफ्ट भी आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया? हाँ, गिफ्ट दिया गया। सभी टीचर्स को दिया कि कोई छूट गया? नहीं, सारे टीचर्स को गिफ्ट दिया गया। क्या नाम है आपका? सर गुलाब्शा खान। इस क्लास में? 12th सी। 12th में। तो ये पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया कितने बच्चे लगे थे? सर इसमें तो बहुत से बच्चे लगे थे, बहुत से बच्चों की ड्यूटी लगी थी, बच्चों को संभालना था और मेन जो एंकर थे पास वो थे और मेन मैं ही थी कि उनको भी संभालना था और बस ये। तो आसान रहा कि टफ रहा? आसान रहा, टीचर्स के लिए करना आसान ही है। तो जैसे ये थे टीडी गर्ल्स के बच्चे, जैसे हमने बात किया जाना किस प्रकार से उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया और जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे होंगे कि बच्चे जो हैं यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और ये सारा जो है टीडी गर्ल्स के बच्चों ने आयोजन करके बच्चों के लिए और टीचर के लिए मनोरंजन करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। सभी नाच गानों के साथ में शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक दिवस पर जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है, आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है। गर्ल्स में हमने बात किया शिक्षक दिवस पर कि किस प्रकार से यहाँ पर टीडी गर्ल्स में राजधानी के शिक्षक दिवस मनाया गया। सभी शिक्षिकाओं ने, प्रधानाचार्य लक्ष्मी सिंह ने और प्रबंधक महादेव यादव ने अपने विचार रखे शिक्षक दिवस में। कैमरा मैन अर्जुन के साथ मैं अमित आपसे इजाजत चाहता हूँ, धन्यवाद। आपने की किस तरह से राजधानी की बड़ी खबरें हंगामा टाइम्स न्यूज आपके लिए लेकर आया है और आपने देखा कि किस तरह से राजधानी की सभी खबरें आप देख पाए हमारे चैनल के माध्यम से। तो इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारी खबरें आपको कैसी लगती है।